वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स सेकंड का जो था प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर देखा था। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड का इनकम्पेटेबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इनकम्पेटेबिलिटी जो नामक चैप्टर है आपका फार्मास्यूटिक्स सेकंड का, वो आज उसके एमसीक्यू देखने वाले है। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, मिक्सिंग ऑफ ऑलिव ऑयल टू द वाटर इज अ डैट डैट डैश। देन उसके बाद ऑप्शन है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी एंड नन ऑफ अबव। तो क्या लगता है आपको, क्या रह सकता है इसका आंसर? मिक्सिंग ऑफ ऑलिव ऑयल टू द वाटर इज अ क्या है, तो बता दो आंसर। आंसर है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ड्रग एनहांस द थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज। अगर दो ड्रग एक साथ दिए जाए, मतलब कॉम्बिनेशन में दिए जाए, वो क्या करते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहा जा सकता है? एंटागोनिस्ट इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफेक्ट, या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनकम्पेटेबिलिटी चैप्टर अगर आपने गौर से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एनहांस द थेरापेटिक इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, उसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। देन थर्ड एमसीक्यू, गिवन द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एक्सेप्ट। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है करेक्ट है, मतलब इनकम्पेटेबिलिटी के टाइप्स है, लेकिन एक को छोड़ के। पहला है अल्कोलाइडल सॉल्ट विद एन अल्कलाइन सब्सटेंस, देन प्रिस्क्राइबिंग इनप्रॉपर डोज ऑफ ड्रग, देन सोल्यूबल सैलिसिलेट विद फेरिक सॉल्ट एंड इनकम्पेटेबिलिटी कॉजिंग द इवोल्यूशन ऑफ एन गैसेस। तो क्या लगता है आपको कि क्या रह सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, इनकम्पेटेबिलिटी किसकी वजह से होती है? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी के टाइप से। तो केमिकल मतलब दो केमिकल आएंगे इसमें। तो पहला देखिए, केमिकल अल्कलाइडल सॉल्ट विद अल्कलाइन सब्सटेंस, मतलब दो केमिकल इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा ऑप्शन है प्रिस्क्राइबिंग इनप्रॉपर डोज ऑफ ड्रग, तो यही मुझे जो है आंसर रॉन्ग लगता है। तो क्या रह सकता है इसका? गिवन द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइबिंग इनप्रॉपर डोज ऑफ ड्रग। उसके बाद है इनकम्पेटेबिलिटी ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, इनकम्पेटेबिलिटी ऑकर होती है किसकी वजह से? ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, कौन किसके मिक्सिंग के वजह से? होमोजीनियस सिस्टम के मिक्सिंग के वजह से, या फिर अगोनिस सब्सटेंस के मिक्सिंग के वजह से, या फिर कंपेटेबल सब्सटेंस के वजह से, या फिर एंटागोनिस सब्सटेंस के वजह से। तो इनकम्पेटेबिलिटी की डेफिनेशन अगर आपने पढ़े होगी तो उसमें बताया जाता है कि इनकम्पेटेबिलिटी ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एंटागोनिस सब्सटेंसेस। तो एंटागोनिस सब्सटेंसेस अगर मिक्स होते तब जाकर वहाँ इनकम्पेटेबिलिटी ऑकर होती है। देन उसके बाद विच इनकम्पेटेबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऐसी कौन सी इनकम्पेटेबिलिटी है? तीन प्रकार की इनकम्पेटेबिलिटी है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक। ऐसी कौन सी इनकम्पेटेबिलिटी है जो कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करने से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है? तो कौन सी रह सकती है? टॉलरेट, डिले, इमीडिएट, या फिर एडजस्टेड। तो कौन सी इनकम्पेटेबिलिटी रह सकती है? वो रहती है टॉलरेटेड इनकम्पेटेबिलिटी। देन उसके बाद ऑन द मिक्सिंग ऑफ यूटेटिक सब्सटेंसेस अ लिक्विड इज फॉर्म ड्यू टू डैट डैट डैश ऑफ द मिक्सचर टू डैट डैट डैश टेम्परेचर। तो देखिए, दो यूटेटिक सब्सटेंसेस है वो अगर मिक्स कर दिए जाते हैं तो लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। और उसके बाद टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कैसा रहता है, अबव रहता है, एट रहता है, बिलो रहता है, या फिर बिलो रहता है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबव, इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, उसके बाद अबव द रूम टेम्परेचर, या फिर लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू एट अ रूम टेम्परेचर, देन लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो द रूम टेम्परेचर, और उसके बाद इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड बिलो। तो क्या रह सकते हैं चारों ऑप्शन में से? ऑन द मिक्सिंग ऑफ एंड टू यूटेटिक सब्सटेंसेज अ लिक्विड इज फॉर्म ड्यू टू द डैट डैट डैश ऑफ द मिक्सचर टू डैट डैट डैश रूम टेम्परेचर। तो क्या रह सकता है? करेक्ट आंसर है लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद बिलो, मतलब लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 और उसके बाद बिलो।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन द फिनोबार्बिटोन सोडियम एंड अमोनियम ब्रोमाइड इज रिमूव बाय, जो फिनोबार्बिटोन सोडियम है और अमोनियम ब्रोमाइड है उसमें से इनकम्पेटेबिलिटी रिमूव हो जाती है किसके वजह से, बाय डैश अमोनियम ब्रोमाइड विथ डैश, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। पहला तो ऑप्शन सरी का ही है, चारों ऑप्शन में पहला जो है रिप्लेसिंग, लेकिन उसके बाद कंपाउंड दिया गया है, कौन से कंपाउंड के साथ इसके जो है वो रिमूव किया जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड। तो कौन सा कंपाउंड रह सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिनोबार्बिटोन, अमोनियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड, तो कौन सा रह सकता है इसका, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम ब्रोमाइड। अमोनियम ब्रोमाइड नहीं है तो सोडियम ब्रोमाइड, मतलब सॉल्ट तो वहाँ पर चाहिए ही चाहिए, तो इस तरीके से। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट हैविंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट, पेशेंट को नहीं दिए जाते, कौन से पेशेंट को, जिनको पेप्टिक अल्सर रहता है या फिर माउथ अल्सर रहता है या फिर अल्कोहल लिवर डिसीज रहता है या फिर स्किन डिसीज रहता है, तो कौन से पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिया जाता, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता। देन अल्कोलाइडल सॉल्ट व्हेन डिस्पेंस विद द प्रिपरेशन, सॉरी अल्कोलाइडल सॉल्ट व्हेन डिस्पेंस विद डैश प्रिपरेशन द फ्री अल्कोलाइड मे बी प्रेसिपिटेड, तो कौन से ऐसे प्रिपरेशन के साथ अल्कोलाइड सॉल्ट जो है वो डिस्पेंस नहीं किया जाता जिसके वजह से फ्री अल्कोलाइड प्रेसिपिटेड हो जाएंगे, तो अल्कोलाइडल अल्कोलाइड्स प्रिपरेशन के साथ डिस्पेंस नहीं किया जाता या फिर नॉन अल्कलाइन या फिर अल्कलाइन या फिर अल्डाइड, तो अल्कोलाइडल सॉल्ट वेन डिस्पेंस विद अल्कलाइन प्रिपरेशन द फ्री अल्कोलाइड मे बी प्रेसिपिटेड, मतलब अल्कलाइन ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देन वेन द वाटर इज एडेड टू द अल्कोहल सोल्यूशन अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द होलेटाइल ऑयल डैश पोर्शन ऑफ द ऑयल इज सेपरेटेड, कौन सा पोर्शन ऑफ द ऑयल, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, अल्कलाइन या फिर होलेटाइल, तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है नॉन एरोमेटिक, मतलब वेन द वाटर इज एडेड टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ एन होलेटाइल ऑयल नॉन एरोमेटिक पोर्शन ऑफ द ऑयल इज सेपरेट, नॉन एरोमेटिक पोर्शन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। देन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर आर द टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, पहले ही बता दिया है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक, कितने रहते हैं फिर, तीन टाइप्स ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 12, लिक्विफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इनकम्पेटेबिलिटी, अगर लिक्विफिकेशन होता है तो वो कौन से टाइप की इनकम्पेटेबिलिटी है, इमीडिएट, डिले, इंस्टेंटेनियस या फिर इंटरमीडिएट, तो क्या रह सकता है, लिक्विफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, इंस्टेंटेनियस इनकम्पेटेबिलिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देन क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है वो एग्जांपल है किसका, इमीडिएट इनकम्पेटेबिलिटी, इंस्टेंटेनियस इनकम्पेटेबिलिटी, इंटरमीडिएट इनकम्पेटेबिलिटी या फिर डिले इनकम्पेटेबिलिटी। देखिए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसीलिए डिले इज द करेक्ट आंसर, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द डिले इनकम्पेटेबिलिटी, और लिक्विफिकेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस इनकम्पेटेबिलिटी। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।